हे गाइस एंड व्हाट्सअप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो आ रही है कोलकाता से। ये स्टोरी एक ऐसे ऑफिस की है जो आज भी चल रहा है, जहाँ पर आज भी लोग काम करते हैं। वेल, जिसने हमसे स्टोरी शेयर करी है, ऑब्वियसली फॉर सम पर्सनल रीजंस उसने इस ऑफिस का नाम डिस्क्लोज नहीं करा है। मतलब मुझे बताया बट मुझे बताने से मना करा है, तो वी विल रिस्पेक्ट दैट। और जिसने हमसे ये शेयर करी है उसका नाम है मोना लिसा। थैंक यू सो मच मोना लिसा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए मेल पर आकर अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये कहानी है आज से 4 साल पहले की, जब मोना लिसा एक ऑफिस में इंटर्नशिप कर रही थी। जब वो इंटर्नशिप कर रही थी तो वो अभी नई नई थी, मतलब वो पूरे ये कॉरपोरेट सेक्टर ये सब उसके लिए नया था, ये उसकी फर्स्ट कंपनी थी। जब वो यहाँ जाती है तो 2-4 दिन में ही उसे ऑफिस की बहुत सारी न्यूज़ पता चलती है, बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स पता चलते हैं जो कि ऑफिस के बाहर शायद ही किसी को पता हो। जैसे कि इस ऑफिस में बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कैप्चर करी गई है, और कई लोगों का वहाँ पर बताना था कि भाई हाँ, हमें भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दी है, हमारे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, हमें तो बड़ी अजीब सी वाइब्स आती है। और ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज थी। इनफैक्ट उस ऑफिस में खुद ऐसी कई जगह थी जिन्हें जिन्हें ऑफिस वालों ने बंद कर दिया था, मतलब कि वहाँ लोगों की एंट्री एकदम बैन थी, वहाँ पे लॉक लगा दिए गए थे, और कुछ जगह तो लिटरली पूजा का सामान रखा गया था। तो अगर किसी को ऐसे बिलीव नहीं होता था तो एक बार जाके देख लेता था, तो देखता था हाँ यार, यहाँ तो मतलब है थोड़ी अजीब अजीब चीज़ें रखी गई है। तो सबको कहीं ना कहीं अंदर एक डर तो रहता ही था कि यार इस ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ है। तो अब मोना लिसा की यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। जो पहला इंसिडेंट होता है वो होता है मोना लिसा के ही दोस्त के साथ। तो ऑफिस कैसा था कि ये ऑफिस में मान लो इस साइड ये काम कर रहे हैं, सारे पूरा बैच बैठकर काम कर रहे हैं, तो जस्ट थोड़ी सी बाहर की साइड जाओगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा कैफेटेरिया था, जहाँ पे कॉफ़ी मशीन रखी गई थी, खाने पीने का सब कुछ था। और कैफेटेरिया से थोड़ा सा लेफ्ट जाओगे तो वॉशरूम आ जाते थे। अब मोना लिसा और उसके जितने भी कलीग्स थे, इन सब की रात की शिफ्ट थी, तो रात का समय है, वैसे ही आधा ऑफिस पूरा खाली हो चुका है। आधा क्या मतलब ऑलमोस्ट 90% ऑफिस खाली है, सिर्फ इनके जो बैच था वो आया हुआ था, और एक और टीम थी जो नीचे वाले फ्लोर में थी वो आई हुई थी, और बाकी पूरा ऑफिस खाली था। अब रात को क्या करते हैं, ऑफिस में जो लाइट्स भी होती है ना वो सब भी बंद कर दी जाती है, सिर्फ एक दो लाइट्स ऑन रहती है, बाकी जो ऐसा नहीं रहता कि जैसे दिन में होता है एकदम उजाला, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब वो पूरी एक स्पूकी वाइब्स वहाँ से आ रही थी। अब जो मोना लिसा की फ्रेंड होती है वो कैफेटेरिया में बैठी होती है। जब वो कैफेटेरिया में बैठी हुई थी वो नॉर्मली अपना कॉफ़ी पी रही थी, और साथ में ब्रेड एंड बटर था वो नॉर्मली खा रही है, और सारी टीम अंदर काम कर रही है। तभी अचानक से मोना लिसा और उसकी पूरी टीम को उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, इतनी ज़ोर से कि जो मोना लिसा की टीम है वो तो सब कैफेटेरिया पहुंच गए, जो नीचे जो दूसरी टीम काम कर रही थी नीचे वाले फ्लोर में वो भी ऊपर आ गए थे। अब सब उस लड़की को देख रहे हैं, और वो लड़की बहुत बुरी हाल में है, मतलब वो ऐसे ज़मीन में पड़ी हुई है और वो बहुत डरी हुई है, वो कांप रही है। सब उससे कैसे तो उठाते हैं और उसको आराम से बिठाते हैं, उसे पानी वानी पिलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हो गया, सब ठीक है, तू गिर कैसे गई है, और मतलब एवरीथिंग इज़ ओके ना, तेरी हेल्थ वेल्थ सब, मतलब कि तेरी हालत कैसे हुई है, तूने कुछ ऐसा देख लिया क्या? पहले तो वो कुछ भी नहीं बताती, मतलब कि कुछ भी नहीं, वो बोल ही नहीं पा रही थी। बट 5-10 मिनट जैसे बीतते हैं वो थोड़ा काम डाउन होती है, फिर वो बताती है कि मैं जब यहाँ अकेली बैठी हुई थी नॉर्मली कॉफ़ी पी रही थी, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ी है, मुझे प्रॉपर उसकी प्रेजेंस फील हुई है, और लिटरली मैंने साइड आई से ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई खड़ी है। जैसे मैंने मुड़कर देखा पीछे कोई भी नहीं था, और जैसे ही मैं कॉफ़ी के लिए वापस से मुड़ी मेरे सामने एक लड़की थी जो उल्टी लटकी हुई थी, मतलब कि उसके पैर ऊपर साइड थे और ऐसे सर नीचे था, और उसके जो बाल थे वो पूरे टेबल में ऐसे बिखरे हुए थे, और वो सीधा मुझे देख रही थी। वो देखते ही मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और सीधा नीचे गिर गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और जब तक आप सब आए वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी। जो जो ये मोना लिसा होती है उसकी पूरी टीम होती है वो आगे पीछे देखती है कि भाई मतलब डर तो सबको लग ही रहा था, और ये कहानियाँ पहली बार तो नहीं हो रही कि तुम बोल दो अरे ऐसा कुछ नहीं है, भ्रम है ये सब। वो सब आगे पीछे भी देखते हैं कि कोई है तो नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। ये रात बीत जाती है, सब बहुत डरे हुए थे, मतलब ये पूरी रात इन्होंने लिटरली एक ही जगह बैठ के, सब एक ही जगह बैठे हैं, कोई अकेले कहीं नहीं जा रहा। जब तक सुबह नहीं हुई तब तक ये लोग वहीं बैठे थे। सुबह होती है उसके बाद सब कैब करते हैं, कोई खुद की अपनी गाड़ियों से चला गया है, कोई कैब कर रहा है, लेकिन सब सुबह होने के बाद तब तक कोई नहीं हिला है, ना ही किसी ने इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है। हाँ 2-4 लड़के थे जो बताने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ यार ये है भाई, ये डरावनी जगह है ऐसे वैसे, लेकिन सब चुप करा देते थे कि चुप कर यार, अभी अभी इस टाइम ये बातें मत कर, अभी वैसे ही कम डर नहीं लग रहा, तू और मत डरा, ठीक है। ये दिन नॉर्मली निकल जाता है। मोना लिसा का बताना है कि इस दिन के बाद से वो जो इसकी दोस्त थी जिसके साथ ये सब हुआ था,
उसने ऑफिस छोड़ दिया था, वो वापस इस ऑफिस में आ ही नहीं सकती थी जो उसने सब देख लिया था, उसके बाद तो चांस ही नहीं है। वो लड़की तो छोड़कर चले जाती है, पर जो यहाँ पर पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स हो रहे थे वो अभी तक रुके नहीं थे। अब इस इंसिडेंट के बाद 6-7 महीने बीत जाते हैं, 6-7 महीने के बाद जो अगला एनकाउंटर होता है वो होता है मोनालिसा के साथ। अब 6-7 महीने में मोनालिसा भी अब परमानेंट हो चुकी है, कोई इंटर्न नहीं रही है। और ये किस्सा है जब वो वॉशरूम जाती है, तो रात का ही समय था, वही उनकी नाइट की शिफ्ट थी, वो वॉशरूम गई है और वॉशरूम में 3 वॉशरूम थे, मतलब अगर आप एंटर करोगे तो फीमेल्स उसमें 3 ऐसे अलग अलग वॉशरूम थे, तो तीनों खाली थे उस टाइम पर, वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जो मिडल वाला वॉशरूम था उधर जो लाइट थी वो जल बुझ रही थी, बार बार ब्लिंक कर रही थी। मोनालिसा वॉशरूम यूज़ करने के बाद जब बाहर आती है तो ऐसे ही शीशे के सामने अभी खड़ी ही है कि अभी भी उसकी जो उस पता नहीं क्यों बट उसकी अटेंशन उसी जहाँ वो लाइट बार बार जल बुझ रही है वहीं जा रही थी। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था वो सब देखकर, कि तभी उसे दिखता है कि जो बीच वाला वॉशरूम है जहाँ की लाइट ऐसे जल बुझ रही थी, ब्लिंक कर रही थी, उसका जो गेट है वो प्रॉपर खुला हुआ है और वो गेट अपने आप धीरे 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 बंद हो रहा है, जैसे कि कोई अंदर से गेट पकड़कर खींच रहा हो। लेकिन मोनालिसा वहीं खड़ी थी, वो जब ध्यान से भी देख रही थी तो अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन गेट अपने आप बंद हो रहा था और एक समय बाद ऐसे ज़ोर से एकदम धड़ाम करके एकदम बंद हो जाता है। मोनालिसा भी एकदम हिल जाती है कि यार ये क्या सीन है। अब उस ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉई हो ये चीज़ें नहीं भूला कि ये ऑफिस में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। मोनालिसा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, मतलब वो भागना चाहती थी बट पता नहीं क्यों वो बस फ्रीज हो चुकी थी, उससे भागा तक नहीं जा रहा था, वो बस वहाँ खड़ी थी और बस डरे जा रही थी। कि तभी एकदम से वॉशरूम के अंदर से ऐसे स्क्रैचिंग की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई अपने नाखून बहुत ज़ोर से उस दरवाजे में ऐसे छील रहा हो, और वो बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत पैनी आवाज़ थी। मोनालिसा बहुत ज़्यादा डर जाती है, सीधा वहाँ से भागती है और सीधा अपने टीम के पास, उन सबको बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। जो टीम में सारे जितने भी मेम्बर्स थे वो सब फिर डर जाते हैं, ऑब्वियसली ये चीज़ें जितनी ज़्यादा होती है उतने ज़्यादा लोग डरते रहते हैं। और उस पूरी रात भी ये सब फिर से वही सेम पैटर्न की एक साथ ही हैं, कोई अकेला कहीं नहीं जा रहा, सुबह होने तक का वेट कर रहे हैं और जब सुबह होती है उसके बाद फिर सब अपने अपने घर। अब आती है अगली रात, जब मोनालिसा काम कर रही थी और अचानक से उसको और उसकी दोस्त को एक काम आ जाता है जिसकी वजह से इन्हें 3rd फ्लोर में जाना था। मोनालिसा की टीम काम करती थी 2nd फ्लोर पर और 1st फ्लोर पर भी एक टीम थी जो कि हमेशा रात को ही आती थी, और 3rd फ्लोर में मतलब नहीं होते थे इतने, मतलब लाइट्स वाइट्स होती थी, गार्ड्स वार्ड्स होते थे बट लोग नहीं होते थे। और इस बिल्डिंग का जो 4th फ्लोर था वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता था, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि बिल्डिंग की बहुत सारी ऐसी जगह थी जिन्हें बंद कर दिया गया था और उनमें से एक था 4th फ्लोर। बहुत लोगों ने इस 4th फ्लोर की बहुत सारी स्टोरीज सुनाई है कि अगर यहाँ जाते हैं तो कुछ ऐसा सुनाई देता है, हमें दिखाई दिया है और 4th फ्लोर से आवाज़ आती है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी स्टोरीज, जिसके बाद ऑफिस के 4th फ्लोर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। इनफैक्ट लिफ्ट भी सिर्फ 3rd फ्लोर तक जाती है, 4th फ्लोर पे नहीं जाती है। अगर आपको 4th फ्लोर पर जाना है तो उसके लिए आपको स्टेयर्स लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अब मोना और उसकी फ्रेंड जाती है लिफ्ट में और 3rd फ्लोर के लिए बटन दबा देती है। जब वो लिफ्ट ऊपर जाने लगती है तो पता नहीं क्या होता है बट लिफ्ट के अंदर की जो लाइट होती है वो वापस से ब्लिंक करने लग जाती है, सेम वैसे ही जैसे वॉशरूम में हो रही थी। मोनालिसा को डर लगने लग जाता है क्योंकि उसके साथ ही वो सब सीन हुआ था जो वॉशरूम में हुआ था, और वो भी पिछली ही रात को, और अब वो एक लिफ्ट में अकेली है। अकेली तो क्या, अपने दोस्त के साथ है, बट फिर भी उसको डर लग रहा था। थोड़ी देर में लिफ्ट पहुंच जाती है, गेट खुल जाते हैं। जब गेट खुलते हैं तो मोनालिसा देखती है कि ये 3rd फ्लोर नहीं था। जब वो ऐसे ऊपर देखती है तो गेट के ऊपर लिखा हुआ आता है ना, नंबर्स आते हैं कि कौन से फ्लोर में आप हो, तो वहाँ पर लिखा होता है 4th फ्लोर, जिसे देखकर मोनालिसा और उसकी दोस्त बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। वो एकदम डर गई है क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, ये लिटरली इम्पॉसिबल है कि जो लिफ्ट सिर्फ 3rd फ्लोर तक जा सकती है वो 4th फ्लोर में क्या कर रही है। ये दोनों जल्दी से नीचे का बटन दबाते हैं, मतलब 2nd फ्लोर का बटन दबा रहे हैं, लिफ्ट बंद कर रहे हैं और लिफ्ट बंद नहीं हो रही है। ये कैसे तो बाहर निकलते हैं लिफ्ट से, और ये डर के मारे इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। सामने जो रूम्स थे उन सब में ताला लगा हुआ था, उन सब के ऊपर कुछ पूजा करी गई थी, मतलब ताला भी था तो उसके ऊपर ऐसे धागे बांधे हुए थे, और जो गेट्स थे उनमें कुछ लिखा हुआ था। तो मतलब वो पूरा माहौल आप सोचो कैसा होगा, जिसमें मोना और उसकी दोस्त को समझ ही नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। और फिर उनको आवाज़ें सुनाई देने लगती है,
उनको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है कि जो वो रूम है जिधर वो ताले लगे हैं, वो पूरा धागा बंधा है, उसके अंदर कोई औरत है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में ऐसे बार बार हाथ से मार रही है और चिल्ला रही है। वो क्या बोलना चाहती है किसी को नहीं पता, पर वो बहुत बहुत गुस्से में चिल्ला रही है और बस दरवाजे में मारे जा रही है, मारे जा रही है। मोनालिसा और उसकी जो दोस्त होती है वो जल्दी से स्टेयर्स का यूज़ करते हैं और स्टेयर्स का यूज़ करके वो सीधा सेकंड फ्लोर तक आते हैं भागते हुए। और जब वो स्टेयर्स का यूज़ करके आ रहे थे ना, तब भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आवाज़ जो आ रही है वो उनका पीछा कर रही है। मतलब वो क्या होता है, अगर आपको एक जगह से आवाज़ आ रही है, आप कहीं आगे चले जाते हो तो आवाज़ कम होती है, बट इनके केस में जितना ये नीचे जा रहे थे इनको वो आवाज़ उतनी ज़्यादा सुनाई दे रही थी। जब ये सेकंड फ्लोर पर आते हैं, ये भागते हुए अपनी टीम के पास आते हैं। टीम के पास आने के बाद ही इन्होंने सांस ली थी। जब इन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है कि फाइनली हम हमारी टीम के पास है, तो टीम पूरी फिर इकट्ठा कि भाई अब क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम तो थर्ड फ्लोर में गए थे। तो ये दोनों पहले तो भाई बता ही नहीं पा रहे, ये लिटरली रोने, इनकी रोने जैसी हालत हो गई कि यार कैसे बताएं, मतलब क्या हुआ, हम कैसे समझाएं कि हम लेक लिफ्ट में गए और अब वो फोर्थ फ्लोर तक पहुँच गई, जो कि जाना नामुमकिन है, वहाँ जा ही नहीं सकते, वहाँ पहुँच गई। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कल कैसे तो करके फिर भी ये बता देते हैं कि यार वहाँ ऐसा ऐसा ये सब हुआ था। अब फिर से टीम की हालत बुरी कि यार ये क्या हो रहा है भाई, अभी कल ये हुआ, आज ये हो गया, और तो ये वाला तो बहुत अजीब सा एनकाउंटर था। अभी तक आवाज़ें सुनाई देती थी, बट लिफ्ट का फोर्थ फ्लोर तक चले जाना ये बहुत अजीब बात थी। सब वहीं बैठे हुए हैं, मतलब टीम की हालत ऐसी हो जाती थी कि आधे टाइम ये काम करते थे, आधे टाइम ये डरे रहते थे, आधे टाइम ये बस बैठे होते थे और कोई काम नहीं कर रहा, बस ऐसे ग्रुप में गोल बनाकर बैठे हुए और बस बातें कर रहे हैं कि कैसे तो टाइम कटे। पहले अब रात के करीबन 3:30 बज चुके हैं। मोना और उसकी दोस्त बीच में बैठे हैं और जो बाकी सारे अदर कलीग्स थे वो इनको घेर कर बैठे हुए और इन्हें बस समझा रहे कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं है ऐसा, वो मतलब होता है लेकिन इतना अफेक्ट नहीं करता किसी की भी, तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट मोना को बहुत डर लग रहा है क्योंकि पिछली रात को भी उसके साथ हुआ था और अभी भी उसके साथ हुआ, और सीधी सी बात है जिसके साथ होता है उसको ही पता लगता है, बाकी तो सिर्फ सलाह ही दे सकते हैं कि कुछ नहीं होता यार, ये सब होता रहता है, टेंशन मत लो, चिल करो, ये सब। बट मोना को ही पता है कि उसको उस टाइम क्या कैसा लग रहा था, उसके उसमें क्या बीत रही थी। पहले ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है, वापस से पूरी टीम अपने घर चले जाती है। मोना का बताना है कि उस दिन के बाद से मोना ने भी इस ऑफिस को छोड़ दिया था, वो नहीं गई, उसने ऑनलाइन ही कैसे तो करके रिज़ाइन डाला, उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस बता दिया, तो जो सामने वाले थे एचआर, उन्होंने भी जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया। उनको था कि यार अगर हम ज़्यादा परेशानी करेंगे, अभी नहीं छोड़ सकते ये वो, तो कहीं ये बात और ना फैल जाए, तो उन्होंने कहा इट्स ओके, हम आप पूरा कोऑपरेट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बस ऐसे करके पूरा ये ऑफिस वाला सिलसिला ख़त्म हो गया था। बट मोना का बताना था कि कोलकाता में आज भी वो ऑफिस चल रहा है, आज भी वहाँ कई लोग हैं, इनफैक्ट मोना के ही कई दोस्त हैं जो अभी भी वहाँ पर है और वो बबताते रहते हैं, उनसे जब भी मिलोगे ना वो तुम्हें 4 नए एक्सपीरियंस बताएंगे कि आज ये हुआ था, अगले दिन ये हुआ, परसों ये हुआ, और अलग अलग लोगों के साथ हो रहा है। एक जो मेन रीज़न है कि उस ऑफिस में ये सब क्यों हो रहा है, वो मोना ने बताया कि वो एक ऐसे लैंड में बनाया गया था जो कि पहले शमशान घाट था, और बताया गया कि जब वो ऑफिस बन रहा था ना तो वहाँ पे कई हड्डियाँ भी मिली थी लोगों की, दफनाई हुई। तो ऑब्वियसली अगर ऐसी जगह आप ऑफिस बनाते हो तो एक नेगेटिव ऑरा तो क्रिएट होता ही है उसके आसपास, और वही इस ऑफिस के साथ हुआ था। जैसा कि मैंने आपको एक ओडिशा के हॉस्टल के बारे में भी बताया था कि वो भी एक शमशान घाट में बना था, तो वहाँ पर भी रोज़ किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, और शमशान घाट है वहाँ पर अगर आप सीधा नॉर्मल भी चले जाओगे तब भी वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा अजीब सा, बहुत अजीब सी एक वाइब होती है, वो आएगी ही आएगी। और यहाँ तो लिटरली लोग मतलब पूरी रात काम करते थे शमशान घाट के ऊपर, शायद वही वन ऑफ द मेन रीज़न था कि उस ऑफिस में ये सारी चीज़ें होती रहती थी। पर जो भी हो, मोना ने वो जॉब छोड़ दी थी और उसके बाद अब दूसरे ऑफिस में आराम से जॉब करती है। और सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि उस ऑफिस में नाइट शिफ्ट चल रही है, ऑफिस वालों को क्लियरली पता है कि ये ऑफिस हॉन्टेड है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, उसके बाद भी नाइट शिफ्ट चला रहे हैं। ऑफिस वालों का भी सही जवाब नहीं है मतलब, लेकिन ठीक है अब जो भी है। आई रियली होप कि मैं आपको इस ऑफिस का नाम बता पाता, बट नहीं बता सकते क्योंकि मोनालिसा की भी जॉब है और ऑब्वियसली उसने वो नहीं करना चाहती डिस्क्लोज। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई हो, और अगर स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि हम 300K के बहुत पास हैं, और 300K जब हमारे हो जाएंगे तो एक 300K स्पेशल वीडियो आएगी जो कि बहुत खास होने वाली है, मतलब मैं वेट नहीं कर सकता तब तक के लिए, मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी हो जाए बस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।